जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको संकटनाशक गणेश स्तोत्रम के बारे में बताऊंगा। ऐसे अधिकतर जो ब्राह्मण लोग हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, कर्मकांडी हैं, उनको तो पता होगा संकटनाशक गणेश स्तोत्रम। लेकिन इसके जप से आपको क्या क्या मिल सकता है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसके जप से इतना अद्भुत लाभ होता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। अतुलनीय लाभ, अर्थात इसके स्मरण मात्र से, यदि आप इसका स्मरण करते हैं, इसका स्मरण वैसे ही सुबह दोपहर शाम के लिए बता रखा है, अर्थात त्रिकाल संध्या में, और मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगते हैं इसको बोलने में, संस्कृत हो या हिंदी। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक वीडियो डाल रखा है, पंचम भाव में ग्रह हो तो उनके क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर यदि लाभ लेना है, हर क्षेत्र में पारंगत होना है, कुछ ना कुछ हासिल करना है, वाणी में ओज लाना है, हर कोई आपका सम्मान करे, अगर ये आप चाहते हैं, हर कोई आपकी बात सुने, जहाँ जाए आपके ज्ञान की पूजा हो, जिस भी क्षेत्र में हाथ डालें, जिस भी कर्म में हाथ डालें, वो आपका हुनर बन जाए, पैशन बन जाए, तो आप संकटनाशक गणेश स्तोत्रम का पाठ कीजिए। यदि आप बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए और भी फायदेमंद है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, बुद्धि के मामले में भी बहुत जोरदार चीज़ है ये। इसका स्मरण, गणेश जी भी दयालु भगवान है, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ज्ञान अमोघ है इनके अंदर, और ये अपने भक्तों को शीघ्र ही प्रसन्न कर देते हैं, देकर मोदक प्रिय हैं ही। बुध ग्रह के इनको स्वामी बोला जाता है, ज्ञान के भंडार हैं, जिन पर इनकी कृपा दृष्टि हो जाती है वो कहाँ के मारे कहाँ पहुँचा देते हैं ये। तो यदि आप इनके जो 12 नाम हैं उनका सुबह दोपहर शाम या प्रातः स्मरण ही कर लेते हैं पूजा पाठ करते समय, तो उसके चमत्कार की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं स्वयं जपता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सर सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक की हुई है, वो काम कर सकता हूँ। दौड़ धूप जिम मैंने की हुई है, वो कर सकता हूँ। होटल पे काम किया हुआ है, वो कर सकता हूँ। होटल मैनेजमेंट क्या क्या कैसे बनता है, और टीचिंग A to Z, बच्चों को, कॉलेज के बच्चों तक को, इंग्लिश हो या हिंदी मीडियम पढ़ा सकता हूँ मैं आराम से। और धर्मशास्त्रों का भी ज्ञान रखता हूँ, पुराणों का अध्ययन किया है, अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, योग जैसे बाबा रामदेव करते हैं ऐसे मैं भी कर लेता हूँ, करवा देता हूँ, तो वो सब मेरे को मिला है संकटनाशक गणेश स्तोत्रम के जप से। इसमें एक लास्ट में अंतिम में पद आता है कि आप यदि इसको, गणेश जी के 12 नामों को यदि आप अपने हाथ से लिखकर
जो ब्राह्मण धर्म है अर्थात जो कर्म से ब्राह्मण है उनको आप देते हो, तो इस संसार में आपके जितना ज्ञानी हो ही नहीं सकता, ये आप भी कर सकते हैं। आपके साथ, आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, बुआ मौसी, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो भी मिल जाए, वो अगर पूजा पाठ करता हो तो उसको आप लिख के दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। इसका स्मरण कीजिए, सबसे पहले वो विघ्न राजा हैं, विघ्न बनाते वो हैं, विघ्न देते वो हैं, विघ्न हर भी वो ही लेते हैं। तो इसका आप भी फायदा उठाइए, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो तो इसका अध्ययन करके जाइए, बहुत शीघ्र याद हो जाते हैं इनके 12 नाम। संकटनाशक गणेश स्तोत्रम इस प्रकार है, नारद जी ने इसको सर्वप्रथम वर्णित किया था। प्रणम्य शिरसा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरण नित्यम आयु कामार्थ सिद्धि। प्रथमम वक्रतुंडम च एक दंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादश एतानि नामानि त्रिसंध्या में पठे नर न च विघ्न भयम तस्य सरस्वतीकरम प्रभो। विद्यार्थी लप्ते विद्याम, धनार्थी लप्ते धनम, पुत्रार्थी लप्ते पुत्रान, मोक्षार्थी लप्ते गति। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत समाचरण सिद्धिम च लभते नात्र संशय। अष्टव्य ब्राह्मण वश लिखित तो समर्पय तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अर्थात 8 ब्राह्मणों को लिख दे दो तो उसको सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और शिक्षार्थी को शिक्षा, सुखार्थी को सुख प्राप्त होता है। यह है इसकी महिमा। 6 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, 1 साल में इससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अवश्य कीजिए, जो आपकी संतान होगी, अर्थात बात करें पंचम भाव बुध का हो, मिथुन राशि या कन्या राशि हो, पंचम भाव, तो यदि आप उसको जपते हैं तो आपका जो बच्चा होगा, संतान होगी, संतति होगी, एकदम ज्ञानवान, गुणी, अद्भुत होगी, जिसके बराबर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका फ़ायदा उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी आपके आसपास रहते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं या कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो आप इस चीज़ का आप उनको दीजिए। अगर आप देते हैं फिर आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देखिए, और आप क्या थे और क्या से क्या हो जाओगे, 1 महीने में इसका चमत्कार देख लेना। वैसे चमत्कार जल्दी ही दिखा देते हैं, लेकिन 1 महीने में आपके अंदर परिपक्वता आ जाएगी। तो जो जो मैंने आपको बताया कि मैं योग सिखा सकता हूँ, करता हूँ, ट्रेनिंग है, दौड़ धूप वाली, शरीर वाली, शास्त्रों का ज्ञान है, पाठ पूजा कैसे की जाती है, अभी नवरात्र आने वाले, मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। अभी एक और चैनल खोला है मैंने योगा का, प्राणायाम का, योगा प्राणायाम का, ज्योतिष का, आयुर्वेद का जो कनेक्शन है, योग के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से रोगों का निदान है, वो सब मैं डालूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी भक्तों कर्मकांड करते हों, ईश्वर में श्रद्धा रखते हों, जो व्यवसायी वर्ग के व्यापारी लोग हैं, यदि वो जपते हैं तो उनके लिए भी ये दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करने वाला साबित हो जाएगा। यदि आप को कोई समस्या हो पढ़ाई में, टॉप टू बॉटम, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, और कॉलेज इंग्लिश या हिंदी मीडियम, कैसा भी मीडियम हो, आप मेरा एक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और आनंद उठाइए। आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हों, छोटे, बोर्ड एग्ज़ाम में हों या कमज़ोर हों, तो आप मेरे से जोड़िए, अर्थात मेरे चैनल से जोड़िए उसको, फिर इसका आप चमत्कार देखिए,
अभी मैं विदा लेता हूँ इसी के साथ ही। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।